एक स्टूडेंट के कुछ डाउट्स थे। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि फेजर वाले सेक्शन में एक बार थोड़ा सा डिटेल हम और देख लेते हैं कि फेजर वाले सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करना है। पहले मैं थोड़ा सा क्विक रिवाइज करा देता हूँ आपको फेजर वाले सेक्शन को कैसे सॉल्व करना है। सो फेजर वाला सेक्शन मतलब क्या है? सुपर पोजिशन ऑफ एस एच एम से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब क्या है? दो एस एच एम अगर मिल रहे हैं तो क्या क्या सिचुएशन होगी। तो पहला था, दो एस एच एम अगर मिल रहे हैं तो टाइम पीरियड कैसे निकालना है। तो वो ऑलरेडी हो गया था, उसमें कोई टेंशन नहीं है। मेन पॉइंट है, फेजर की जरूरत कहाँ पे पड़ती है अपन को? एम्पलीट्यूड निकालने में। एम्पलीट्यूड निकालने में फेजर मतलब क्या होता है? फेजर क्या होता है कि हमें वेक्टर फॉर्मेट में बना लेना है। मतलब हमें साइन थीटा को किसमें रिप्रेजेंट कर देना है? वेक्टर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करता है, इसको बोलते हैं फेजर बनाना। मतलब क्या हुआ, हमने एक रेफरेंस बना लिया। क्या, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस एग्जांपल से। फेजर मेथड, हमने क्या किया, एक रेफरेंस बना लिया। हमने बोला कि यार साइन ओमेगा टी को हम ले लेंगे रेफरेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, इसमें मैंने बताया था कि यार यहाँ साइन होता है 90 डिग्री, आगे जाते हैं तो कॉस, यहाँ पर वापस माइनस साइन, यहाँ पे माइनस कॉस, ये रहता है। तो अगर हम इस तरीके से मोशन कर रहे हैं, एंगल मेजर कर रहे हैं, तो हमने बताया कि अगर कोई फंक्शन साइन का है तो उसका वेक्टर हम बनाएंगे साइन ओमेगा टी का, यहाँ पर इस डायरेक्शन में। अब सोचो उससे 30 डिग्री आगे का कोई वेक्टर है, तो मतलब ये हुआ कि उससे 30 डिग्री आगे एक वेक्टर बना देंगे। फिर पूछा कि उससे एक 90 डिग्री आगे वेक्टर है, तो 90 डिग्री आगे मतलब कॉस वाला होगा, ये वाला बना दिया। मे बी साइन से 60 डिग्री आगे कोई वेक्टर है, तो 60 डिग्री आगे है तो ये बना दिया। ये सब, ये +30 डिग्री आगे, ये +60 डिग्री आगे, ये +90 डिग्री आगे, मे बी -30 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, सो -30 डिग्री है तो -30 डिग्री बना देंगे, मतलब नीचे की तरफ एंगल आ जाएगा, पीछे 30 डिग्री। सो इस तरीके से फेजर बना देते हैं। तो पहली चीज तो फेजर मेथड में हमें क्या समझ में आनी चाहिए? फेजर, फेजर कैसे बनानी है। तो यार फेजर क्लियर है क्या? फेजर मतलब क्या बनाना होता है? साइन ओमेगा टी को रेफरेंस लेके उस फंक्शन को वेक्टर फॉर्म में ड्रॉ करना होता है। बताएं फेजर टर्म क्लियर है या नहीं? सबास यार कोई बोल दो कि हाँ सर नहीं क्लियर है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ये क्लियर है। तो इसके बाद सेकंड टर्म आता है क्या? रिजल्टेंट निकालना। जब आपने वेक्टर बना दिया तो अब तो सिर्फ वेक्टर मैथमेटिक्स बची ना रिजल्ट निकालने के लिए। सोचो मैंने तीन वेव्स बना दी हैं, एक वेव मैंने बना दी है यहाँ पर, एक वेव बना दी है मैंने यहाँ पर, और एक वेव बना दी है यहाँ पर। तो मुझे पता है कि तीन का रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं। तो तीन का रिजल्टेंट अलग अलग मेथड से निकाल सकते हैं। मे बी पहला और दूसरा, ये दोनों 90 डिग्री पे है, पहले इनका रिजल्टेंट निकाल लेंगे तो कितने एंगल पर जाएगा? हमें नहीं पता कितने एंगल पर जाएगा, तो हमें पता है कि अगर ये 90 डिग्री है और इसमें थर्ड वाले को भूल जाऊं तो इसका जो एंगल निकलेगा उसको हम बोलते हैं क्या? अल्फा। तो अगर दो 90 डिग्री के वेक्टर हैं और ये ए है और ये बी है, तो हमें पता है कि टेन अल्फा कितना हो जाता है? भाई बी भाई है, सिंपली। अब सोचो अगर ए और बी 90 डिग्री नहीं है तो फिर वो अल्फा कैसे निकालते हैं? तो क्वेश्चन पक्का कुछ ऐसा होगा कि मान लेते एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकालेंगे, उस रिजल्टेंट का जो एंगल होता है वो अल्फा होता है। अब अल्फा का काम क्या है? अल्फा बताता है कि जो हमारा रिजल्ट है वो साइन से कितना आगे है, अल्फा एंगल आगे है। तो इसका मतलब मैं रिजल्टेंट की जब इक्वेशन बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मतलब ए नेट इनटू साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये काम है अल्फा का। अल्फा का काम क्या है? उसकी एक्चुअल फेज बताना कि जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो साइन से कितना आगे होगा। तो हमें पता है कि इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, अल्फा वही होगा हमारा साइन से आगे। यार अब अल्फा का फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा यार। तो बताया था यार टेन अल्फा क्या हो जाएगा अगर दो वेक्टर थीटा एंगल पर है, b ए साइन एंड बी। थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। वेरी गुड, ए साइन थीटा अपॉन ए प्लस सॉरी बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इतना पूरा था, मुझे लगता है ये आपको समझ आ जाएगा अगर आप ये सेक्शन को वापस से देखेंगे। मैंने
अल्फा निकालना भी बताया और रिजल्टेंट भी बताया हुआ है। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन भी किया हुआ था, देखें क्वेश्चन था 2 sin theta + 3 cos theta। तो हमने दोनों एक साइन है एक कॉस है मतलब 90 डिग्री पर है और इन दोनों का रिजल्टेंट बना लिया 2 3 इनका रिजल्टेंट। तो ये आ जाएगा अल्फा, ये बताएगा कि साइन से कितना आगे है हम। तो यहाँ पर हमने लिखा था कि टेन अल्फा कितना आ जाएगा, बी बाई ए मतलब 3/2। तो अल्फा की वैल्यू आ गई क्या, टेन इनवर्स 3/2। 3/2 मतलब 1.5। अब हमें पता नहीं है, अगर पता होगा कि टेन में 1.5 किसकी वैल्यू है तो अपन कर लेंगे। तो सपोज मान लेते हैं अभी के लिए कि 48 डिग्री की वैल्यू है, या लेट्स से 50 से थोड़ा ज्यादा 55 की वैल्यू है, ठीक। तो यहाँ पर 20t + 50 डिग्री आ जाता अकॉर्डिंगली। तो ये पार्ट था जो हमने वेक्टर एम्पलीट्यूड रिलेटेड बात किया था। अपन रिसेंट टॉपिक में जाते हैं कि रिसेंटली हमने क्या डिस्कस किया हुआ था सर। हाँ वो जो फेजर का है ना, शीट में ऐसे कुछ क्वेश्चन थे कि मतलब SHM, दो SHM दिए थे और उनका फेज डिफरेंस का एंगल बताना था। फेज डिफरेंस का एंगल, सो ये एक SHM है, मान लेते हैं ये एक SHM है और ये एक SHM है, फिर उनका जो रिजल्टेंट है, या इन दोनों का ही सिर्फ फेज डिफरेंस? नहीं, दोनों उनका सिर्फ फेज डिफरेंस। तो उनका फेज डिफरेंस तो देख के बता देंगे ना अपन, उनका फेज देख के। ये तो मैंने सिखाया ना लोकेट करना, ये साइन वाला है ये कॉस वाला है, अब इनको लोकेट करना सीखो। शीट में क्वेश्चन कर लेंगे जो भी रहेंगे अगर आपको डाउट है तो। हाँ ठीक है सर। हाँ तो ये साइन ये कॉस, इनके बीच में एंगल है 90। अगर कुछ दे देगा कि कॉस प्लस 30 है तो मतलब और आगे चला गया, 120 हो जाएगा इनके बीच का एंगल। और SHM में अगर लोकेशन वाइज देगा कि वो अभी a बाई टू पर है, फिर वो माइनस a बाई टू पर हो गया, तो ये भी आप समझ जाते हैं। इसका एंगल लिखो, इसका एंगल लिखो, डिफरेंस देख लो। देखें नेक्स्ट लेक्चर में हमने, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया हुआ था, टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था सिंपल पेंडुलम। मैंने बताया सिंपल पेंडुलम पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सो बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन है SHM का। SHM का सबसे स्कोरिंग सेक्शन है सिंपल पेंडुलम। तो यार अच्छे से आज समझेंगे। पहले मैंने बताया था कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैसे निकालते, तो मैंने बताया था क्या सिंपल पेंडुलम हमेशा SHM करता है क्या? और स्मॉल एंगल ओनली SHM करता है, और उसका टाइम पीरियड क्या आता है, 2π√LG, और जहां पे दोनों इफेक्टिव टर्म होते हैं। क्लियर ना यार ये? Yes, और फिर क्या बताया कि वो जो एल इफेक्टिव लेते हैं उस पे एग्जांपल क्या है, वो मैंने एक्सप्लेन किया। एक एग्जांपल लिया, फिर एक सैंड ड्रेन होने वाला एग्जांपल लिया, दोनों से मुझे लगता है काफी क्लैरिटी आई। उसके बाद फिर मैंने एक ये स्विंग वाला एग्जाम्पल भी लिया। सो एल इफेक्टिव को लेके तो आई गेस क्लियर हो गए थे डाउट। फिर उसके बाद मैंने बोला एक्सेलरेशन को लेकर, तो पहले हमने अपवर्ड मोशन देखी, फिर हमने डाउनवर्ड मोशन देखी, फिर हमने एकदम फ्री फॉल वाला मोशन देखा, फिर हमने हॉरिजॉन्टल मोशन देखी। सो ये लर्न रखने यार, ये सारे केसेस लर्न करोगे तो बहुत ही जल्दी क्वेश्चंस कर पाओगे। फिर सर्कुलर ट्रैक वाला भी देखा, सर्कुलर ट्रैक का भी याद रखना है, फिर इंक्लाइन प्लेन का भी देखा, दो केसेस देखे, रेस्ट एंड फ्री मूविंग दोनों क्लियर है। फिर अर्थ पे भी देखा, अर्थ पे जी की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। फिर एक अर्थ के रोटेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, बट मुझे लगता है मैंने ऑलरेडी ग्रेविटेशन में बताया था कि रोटेशन का सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ पर होता है, इक्वेटर पर, और यहाँ पर सबसे कम। तो जो जी होता है इक्वेटर का वो काफी कम होता है किससे, पोल से, ठीक है। तो ये चीजें ऑफ कोर्स शीट में मिलेंगी आपको क्वेश्चंस, तो ग्रेविटेशन का थोड़ा बेसिक याद रखना ही है। फिर मैंने बताया था कि अर्थ के अंदर टनल में अगर कोई करेगा तो टाइम पीरियड उसका कितना रहेगा अगर ऑसिलेशन चल रहा है।
क्रॉस टनल है कहीं पर, तब भी ऑसिलेशन का टाइम पीरियड यही रहेगा। अगर एक बहुत बड़ा पेंडुलम ले लिया जिसकी लेंथ कंपेरेटिव टू रेडियस ऑफ आर है, तो वहां पर क्या सिनेरियो रहेगा, दोनों लेंथ यूज होंगी, वो हमने देख लिया। फिर लिक्विड के अगर अंदर है तो हमने सिनेरियो देख लिया, इंपॉर्टेंट था ये, बांसी फोर्स लगेगा। अच्छा यहीं तक हमने सिंपल पेंडुलम का डिस्कशन किया हुआ था। ओके, तो आज सिंपल पेंडुलम वाले सेक्शन में देखें, सिंपल पेंडुलम वाले सेक्शन में अगर हम पॉइंट करें, सो हमारा कौन सा पार्ट कंप्लीट हो गया था ऑसिलेशन में, ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया था सिंपल पेंडुलम का। लेकिन इस पे अभी शीट में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, किससे रिलेटेड, वर्टिकल सर्कुलर मोशन से। अच्छा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन से पहले सिंपल पेंडुलम के साथ साथ एक कोनिकल पेंडुलम था, याद है क्या, कोनिकल पेंडुलम। यस सर, बताओ यार कोनिकल पेंडुलम में क्या करते थे, टाइम पीरियड मतलब क्या था ये एग्जैक्टली? ये था कि सिंपल पेंडुलम को वर्टिकल प्लेन की जगह किस पे हम रिवॉल्व कराते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रिवॉल्व कराते हैं। तो ये सिंपल पेंडुलम था और ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के सर्कल पे घूम रहा होता है, ये अपन ने डिस्कस किया हुआ था सिंपल पेंडुलम में। इसे बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम, मतलब वो थीटा एंगल का एक कोन बनाता है, यहाँ पर थीटा एंगल का क्या बनाता है, एक कोन बनाता है। तो इसका मतलब इसके लिए हमें गिवन तो यही रहता है, गिवन तो क्या रहती है इसकी, एल, ये इसका एल गिवन रहता है हमें। तो इसकी सॉल्विंग किस तरीके से होती है, टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, याद है क्या किसी को डायरेक्ट फॉर्मूला टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड का डायरेक्ट फॉर्मूला किसी को याद नहीं है, एम जी एक्ट करता है फिर उसका हमने, वेरी गुड। सो क्या इस पे एम जी के कंपोनेंट करेंगे क्या हम, क्या इस डायरेक्शन में आ रहा है क्या पार्टिकल, इन दोनों को हम जब जरूरत पड़ेगी तब यूज कर सकते हैं, और ये अपनी बन जाती है क्या, रेडियस आर। तो पहला एक रिलेशन एल और आर में क्या रिलेशन है, देख के बताएं, एल और आर में R equal to L sin theta. So sin theta का relation है L by, sorry, R by L में, पहला relation. Number two relation क्या है, T cos theta किसके equal है, mg, mg के equal है, और T sin theta equal है किसके, m omega square R, m omega square R. ठीक, चाहिए तो R को क्या लिख सकते हैं, L sin theta. L sin theta. तो मतलब बेसिकली sin theta क्या हुआ यहाँ से? Cancel. Cancel out हो गया. So इससे better point ये आता है क्या? कि T हम directly निकाल सकते हैं m omega square L से, वो जो L है. L मतलब simple pendulum का length. ये T क्या है? Tension force. ये T क्या है? Tension. Tension. स्ट्रिंग, चलो सही है, यह टेंशन हो गया। लेकिन अभी मेन पॉइंट तो हमने देखा नहीं कि हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड। तो अगर आपको याद हो तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड रहता है 2π अंडर रूट एल अपॉन जी। तो किससे पता चलता है, ओमेगा से। यहाँ पे हम रिलेट कर सकते हैं कि अगर हमें ओमेगा पता है तो हम रिलेट कर लेंगे। तो मैं ओमेगा फाइंड करने का ट्राई करता हूँ, मैं दो इक्वेशन आपको रिलेट करा देता हूँ, क्या
इक्वेशन नंबर वन एंड टू. सो फ्रॉम वन एंड टू देखो क्या आ जाएगा. टी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं एम जी बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया एम ओमेगा स्क्वायर एल. तो यूजुअली ओमेगा की वैल्यू क्या होती है सिंपल जी बाई एल में रूट जी बाई एल. बट इस बार ओमेगा क्या आ रहा है रूट जी बाई एल कॉस थीटा आ रहा है. सो इसका मतलब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आएगा 2 L cos theta. Yes. Time period. So, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको कोई नया क्वेश्चन मिले तो ये मत सोचना कि SHM का क्वेश्चन है. क्या ये SHM का क्वेश्चन है? नहीं. ये सिंपल क्वेश्चन है टाइम पीरियड का. सो ये क्या हो जाएगा रूट एल कॉस थीटा बाई जी. सिर्फ ये टाइम पीरियड आ रहा है इसलिए मैंने इसे यहाँ पर लिखा दिया जिससे आप कॉनिकल पेंडुलम को भूल मत जाओ. सिमिलरली मैं आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ ऐसा नहीं है कि पढ़ाया नहीं है. वर्टिकल सर्कुलर मोशन में पहले भी सिखा चुका हूँ. देखें वर्टिकल सर्कुलर मोशन. अच्छा एक चीज और सेकंड पेंडुलम. यार सेकंड पेंडुलम वैसे मैंने बताया है कोई बताएगा सेकंड पेंडुलम मतलब टाइम पीरियड 1 सेकंड. अरे वाह सेकंड पेंडुलम. सेकेंड पेंडुलम क्या है टाइम पीरियड वन से. महान लोगों याद रहेगा क्या धोखा मत खा जाना नेम से. समझ आया सेकंड पेंडुलम नेम सुन के क्या लग रहा है. अरे अभी तो बताया ना नेम सुन के क्या लग रहा है वन सेकंड होगा. बट सही बात क्या है काम की बात 2 सेकंड होता है टाइम पीरियड. मतलब एक्चुअली ये क्लॉक रिलेटेड टर्म है. ये क्या है क्लॉक रिलेटेड टर्म है. तो क्लॉक में क्या होता है टाइम पीरियड जो होता है वो एक साइड का काउंट करता है. वो मतलब वो इस तरीके से डिजाइन कर देते हैं कि जब वो एक साइड जाके रिटर्न आता है तब वो अपना 1 सेकंड कंप्लीट कर लेता है. फिर नेक्स्ट जाके रिटर्न आता है तब और 1 सेकंड. सो मतलब एक्चुअल टाइम पीरियड तो उसका 2 सेकंड है ना. बट सेकेंड पेंडुलम बोलते हैं क्योंकि वो टिक करता है मतलब 1 सेकंड पे टिक करता है. तो टिक मतलब दोनों साइड नहीं करता एक साइड 1 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है एक साइड 1 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है. उसको बोलते हैं सेकंड पेंडुलम. तो क्या ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है क्या कुछ क्या वाली बात है लर्न कर लेने वाली बात है. जब आप सीख गए कि यार सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है सो माइंड में रखो कभी गलती मत करना अभी. चलो ठीक है बात करते हैं किस पे सेकंड पेंडुलम मतलब सिंपल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकंड. ये मत पूछने लगना कि सेकंड पेंडुलम क्या है. यहाँ पे लिख देते हैं सिंपल पेंडुलम. इट्स अ सिंपल पेंडुलम. अच्छा तो अभी मैंने क्या सिखाया पहले कोनिकल पेंडुलम सिखाया. कोनिकल पेंडुलम ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ कहाँ पर आपको सर्कुलर मोशन में. ये सॉर्ट ऑफ रिवीजन समझ लो कि इस चैप्टर में भी क्वेश्चंस मिलेंगे तो थोड़ा ध्यान रखना है. सिमिलरली मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन सिखा देता हूं. क्यों क्योंकि इस चैप्टर में काफी ज्यादा यूज में होने वाली है वर्टिकल सर्कुलर मोशन. चले तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में 2-3 चीजें ही काम की हैं. क्या है अगर मैं बात करूं कि एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से वर्टिकल सर्किल में घूम रहा है देन सो सिंपल पेंडुलम टाइप ही समझ लेते हैं कि यार यहाँ पे कोई एक थ्रेड है और वो इस तरीके से यहाँ पे हैंग है और उसे हमने कुछ वी वेलोसिटी दी तो वो किसी हाइट तक तो वो जाएगा.
मे बी वो पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा या किसी हाइट तक जाएगा, तो सिंपल सी बात है कि पूरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगा क्या, तो फिर वो सिंपल पेंडुलम ही नहीं बचा। सो सिंपल पेंडुलम की खास बात क्या होगी कि पूरा सर्कल नहीं क्वेश्चन में पूछा जाएगा। यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम सर्कल कितना कंप्लीट करेगा सर, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल या मतलब मैक्सिमम सेमी सर्कल, बीच में कहीं ना कहीं, ठीक है। सो बेसिकली ये मैं सिर्फ ट्रैक इसका प्लॉट कर रहा हूँ और मैं ये बोल रहा हूँ ये जो पाथ है ये एक वर्टिकल सर्किल है, समझा, ये पाथ एक वर्टिकल सर्किल है, दिस पाथ इज वर्टिकल सर्किल, अब क्या क्या क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा। हमें पता है कि ये ऑसिलेशन कर रहा है तो फिर स्पीड वगैरह पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्ट्रिंग की टेंशन पे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, तो अपन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या इंपॉर्टेंट है, स्पीड कैलकुलेशन, बताओ स्पीड कैसे निकालते हैं, सिंपल आइडिया, जब वो नीचे आ रहा होगा तो स्पीड क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। सो नंबर वन मूविंग डाउन क्या हो जाएगी, v स्क्वायर विल बी u स्क्वायर प्लस 2gh, कोई डाउट क्या, और जब मूविंग अप होगा तो इसका मतलब कम हो रही होगी, मूविंग अप मतलब वेलोसिटी, मूविंग डाउन मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी, और मूविंग अप मतलब वेलोसिटी कम हो रही होगी। अच्छा तो अब इसे सॉल्व कैसे करना, मेन प्रॉब्लम है इस एच को निकालना, मेन प्रॉब्लम क्या है इस एच को निकालना, तो देखें एच कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो मैं पहला फिगर बनाऊंगा कि एच कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा आइडिया है, देखना क्वेश्चन ये दिया जाता है कि हमने इसे मूव करा दिए क्या थीटा, हमने क्या किया इसे थीटा मूव करा दिया, तो थीटा मूव करा दिया तो एच कितना आ गया, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखते हैं, हमें पता है ये टोटल लेंथ कितनी है एल, एल तो एच मतलब कितना होता है, एच होती है वर्टिकल लोकेशन, ये इसे बोलते हैं क्या एच, ओके, तो ये इधर से ट्रेवल करते हुए आएगा यहां तक जाएगा, इसे बोलते हैं हम अपन एच। तो एच बताओ कैसे निकालेंगे, क्या हो जाएगी एच अगर हम देखें पूरी लेंथ माइनस ये वाली, यस, सो आई गेस सभी को ये याद है एच को कैसे निकालते हैं, एल माइनस एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा, या फिर देखें सो सिंपल हो जाएगा एल वन माइनस कॉस थीटा, बहुत ही सिंपल, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, एल माइनस एल कॉस थीटा, ये समझ गए, बताओ यार एच निकालना है या नहीं, ठीक, बट ये क्या है ऑसिलेशन है, सोचो अगर ये एस एच एम होता तब क्या होता, एच बहुत कम होता, एच बहुत ही कम होता, तो फिर अपन कुछ ना कुछ यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन लगा सकते थे, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन क्या लगाते हैं कि अगर एच बहुत ही कम होता है, सॉरी अगर ये एस एच एम है और एम्पलीट्यूड बहुत ही कम है, थीटा बहुत ही स्मॉल है, तो जरूरत पड़ने पे साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा, थीटा, या फिर थीटा को क्या लिख सकते हैं आर क्वायर रेडियस, और ये आर्क क्या है इसका एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड से भी रिलेट कर सकते हैं, तो मैं यहां पर लिखता हूं फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड एक्स, फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड थीटा और एक्स, सो वो तो हमें सिंपल पता है कि अगर स्मॉल एम्पलीट्यूड है तो बहुत ही सिंपल वे पे देखें ये ज्यादा दूर नहीं जा रहा है, थोड़ा ही दूर जा रहा है, तो ये जो एंगल होगा इसे हम रिलेट कर सकते हैं इसके आर्क से एक्स से, ठीक है,
सो एक्स जो कि हॉरिजॉन्टल पे डिस्प्लेसमेंट है उसका, सो थीटा इज इक्वल टू, या कभी भी जरूरत पड़ेगी तो साइन थीटा को रिलेट कर सकते हैं, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर मतलब ये डिस्टेंस, और डायगोनल मतलब ये, बट क्या परपेंडिकुलर एक्स है क्या? नहीं, बट हमें पता है कि हम एक्स जैसा मान सकते हैं, ओके ओके, जस्ट मैं होल्ड ऑन व्यू, ओके सो इसका मतलब ये है कि मैं मानता हूँ ये दो अलग अलग डिस्टेंसेज हैं, एक्स और एक्स डैश अलग अलग है, बट मैं ये बोलूंगा कि फॉर स्मॉल थीटा व्हाट इज द कंडीशन, एक्स डैश कैन बी अप्रोक्सिमेटली कंसिडर्ड इक्वल टू एक्स, तो इसलिए साइन थीटा को किसके जैसा लिख सकता हूँ, थीटा को लिख सकता हूँ, और थीटा को क्या लिख सकते हैं, आर्क ओवर रेडियस टाइप ऑफ थिंग, इसका मतलब थीटा क्या रिलेट हो जाएगा, एक्स ओवर एल। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको काम आएंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में यूज करने में, क्या थीटा को एक्स और एल से कैसे रिलेट कर सकते हैं, साइन थीटा को कैसे रिलेट कर सकते हैं, और अगर हमें एच निकालना है तो हम किस तरीके से एच निकाल सकते हैं यहाँ पर, और एच हमें क्यों चाहिए, एच किस लिए हमें चाहिए, वेलोसिटी निकालने के लिए, तो स्पीड कैलकुलेशन में मैच चाहिए और अपन स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, स्पीड कैलकुलेशन के बाद और क्या पूछा जाता है वर्टिकल सर्किल में, टेंशन ऑन द स्ट्रिंग, टेंशन ऑन स्ट्रिंग। सो मुझे पता है कि अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे बात करूं तो टेंशन अलग अलग रहेगी, अगर मैं बात करूं एट द बॉटम, बॉटम मतलब कौन सी पोजीशन हो गई, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, ये जो थीटा एंगल वाली है ये क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम, तो ये दो टर्म हमें देखने पड़ेंगे, ये अपना क्या है, मीन पोजीशन, और ये क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन, यहां पर जो वेलोसिटी होगी क्या होगी, मैक्स, और यहां पर वेलोसिटी जीरो, जीरो, ये जो थीटा है ये क्या है, इनडायरेक्टली ये थीटा है एंगुलर एम्पलीट्यूड, ओके, तो पता है कभी कभी क्या पूछ लेता है, कभी कभी ये पूछ लेता है कि थीटा बाई टू पर कब पहुंचेगा, तो हमें ऑलरेडी पता है थीटा बाई टू मतलब एम्पलीट्यूड बाई टू, तो मीन पोजीशन से 30 डिग्री और एक्सट्रीम पोजीशन से 60 डिग्री, तो वो हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस। अभी ये देखना है हमें कि पहले हमने ड्रॉ कर दिया क्या कि कहां पर वी मैक्स और मिनिमम होगी, अब देखना फिगर में कि टेंशन किस तरीके से लगेगी, तो ये है और ये एम्पलीट्यूड, अब देखना टेंशन कैसे लगेगी, तो ये दो पोजीशन मैंने ड्रॉ कर दी, अब टेंशन देखें, सो यहाँ पर टेंशन किधर रहेगी, अपवर्ड पी, और नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा क्या, एम जी, एक और फोर्स लगेगा जो हम नोटिस नहीं कर रहे हैं क्या, एम ओमेगा स्क्वायर आर, यस वेरी गुड, सो यहाँ पर एक और फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या, एम वी स्क्वायर बाई आर, आर मतलब यहाँ पर क्या है, एल, अगर एक्सट्रीम पोजीशन पर बात करें तो क्या होगा, वेलोसिटी तो क्या हो गई है, जीरो, तो इसका मतलब सिर्फ कौन सा फोर्स लगेगा टी पर, एमजी का कंपोनेंट, एमजी का कंपोनेंट क्या, एमजी कॉस थीटा, कॉस थीटा ये लगेगा सिर्फ टी को बैलेंस करेगा, वेरी गुड, सो टेंशन के दो आंसर्स हो गए, टेंशन मैक्सिमम, मैक्स टेंशन, तो ये कहां पर होती है मैक्स टेंशन, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पर, और कितनी होगी, मतलब कैसे निकालेंगे फॉर्मूला, टी मैक्स का फॉर्मूला आएगा
mg तो लग ही रहा है, प्लस एक्स्ट्रा क्या लग रहा है, mv स्क्वायर भाई l, और वेयर वेयर v स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, क्योंकि किसी हाइट से गिर रहा है ना वो, डन। और इनिशियल जो एक्सट्रीम पर होगी वो u क्या होगी, जीरो, v स्क्वायर क्या आ जाएगी 2g, और h की वैल्यू क्या आती है l 1 माइनस cos थीटा। तो अगर ये थीटा एम्पलीट्यूड का हो रहा है यहाँ पर ऑसिलेशन, तो अपन निकाल सकते हैं v को भी। तो कोई डाउट क्या है यहाँ पर, v स्क्वायर बाई l की वैल्यू कैसे निकलेगी? नो सर। ओके गुड, तो ये पहला हुआ हमारा मैक्स टेंशन। दूसरा क्या बचा, बहुत ही सिंपल टर्म, क्या मिनिमम टेंशन। तो मिनिमम टेंशन कहां पर रहेगी, एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम पे, और एक्सट्रीम पे तो टेंशन ही नहीं है, टी मिनिमम सिर्फ कितना है, mg cos थीटा, mg cos थीटा, वो भी तो जीरो ही हो गया है। तो ये कुछ वर्टिकल सर्कुलर मोशन के पॉइंट थे जो आपको पक्का बीच में क्वेश्चन सॉल्विंग में मिलेंगे, किसमें, सिंपल पेंडुलम वाले सेक्शन में। तो मैंने पहले भी बताया कल अपन डिस्कस करने वाले हैं सिंपल पेंडुलम वाला पूरा सेक्शन, तो आप लोग अच्छे से एक बार क्रॉस चेक करेंगे कि क्या डाउट्स हैं, क्या कवर हो रहे हैं, बाकी जो भी डाउट्स हैं वो अपन देखेंगे। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या दो काम की चीजें पूछी जाती हैं, v और h, टेंशन, h v से आएगा टेंशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ओके, तो ये था हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाला पार्ट, डन। तो यहां से हमारे जो टाइम पीरियड के दो सेक्शन थे वो कंप्लीट हो गए। क्या क्या दो सेक्शन कंप्लीट हुए हमारे, स्प्रिंग और सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। अब अपन लास्ट पार्ट पे आते हैं, लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर यू कैन से, और लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक। हमारे पार्ट में दो है, स्प्रिंग है, सिंपल पेंडुलम है, और अब है एक एंगुलर SHM। तो ये सॉर्ट ऑफ पूरा नया पॉइंट है, एंगुलर SHM। अच्छा याद हो, मैंने एंगुलर SHM समझा दी थी ऑलरेडी, क्या कि एंगुलर SHM जब भी समझना है तो जैसे लीनियर SHM थी, पहले क्या फाइंड करेंगे, फाइंड पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। फिर क्या फाइंड करेंगे, जहां पे नेट फोर्स जीरो लग रहा होगा, इक्विलिब्रियम। फिर हम एक्स डिस्प्लेस करते थे, एंगुलर में क्या डिस्प्लेस करेंगे, थीटा। ओके, डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट बाय स्मॉल एंगल थीटा, थीटा। और बताओ एंगुलर में आप क्या चेक करेंगे थीटा डिस्प्लेस करने के बाद, रिस्टोरिंग फोर्स। नहीं, एंगुलर में फोर्स निकालते हैं क्या, टॉर्क, टॉर्क, टॉर्क। यस, फाइंड द रिस्टोरिंग टॉर्क। ओके, लाइक टाउ इज इक्वल टू माइनस, और टाउ प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, ठीक। तो मैं यहाँ पर के नहीं लिखता हूँ, क्योंकि के से फिर कंफ्यूजन बढ़ जाती है, वापस उस के से प्रॉब्लम आ जाएगी। या फिर के ही यूज कर दूं, या फिर सी यूज कर सकते हैं, योर विश, बताएं, सी यूज करें या के, सी, सी यूज कर देते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो टाउ इज इक्वल टू क्या गया, सी माइनस ऑफ सी इंटू थीटा, सी विल एक्ट एज अ कॉन्स्टेंट। ओके, नेक्स्ट, फिर क्या करते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क आ गया तो बस उसे कंपेयर करते हैं, कंपेयर विद, किससे कंपेयर करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, समझा।
तो टाउ को हम क्या लिख सकते हैं, आई अल्फा, आई अल्फा। सो इसका मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक स्ट्रिप इसे और बढ़ा देता हूँ जिससे कि और क्लियर पिक्चर आए। टाउ को क्या लिख सकते हैं, आई इन टू अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस सी बाई आई इन टू थीटा। तो फिर इसे अपन कंपेयर कर देंगे किससे, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से, इक्वेशन ऑफ एंगुलर एस एच एम से। सो वेयर देन क्या आंसर आ जाएगा ओमेगा का, रूट सी बाई आई, और टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू पाई अंडर रूट। याद है एम अपॉन के आता था, रोटेशन में एम के जगह क्या आ जाता है, आई आई, तो आई बाय सी करके ये आ जाता है। ये क्या हो गया, फाइनल टाइम पीरियड का फॉर्मूला। आई क्या है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, इन पोजीशन नहीं, अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, जिसके अबाउट क्या कर रहा होगा, जिसके अबाउट ऑसिलेट हो रहा होगा ना, पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, जिस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट हो रहा होगा उस पॉइंट के अबाउट और अबाउट एक्सिस ऑफ ऑसिलेशन यूज करेंगे, ऑफ ऑसिलेशन उसके अबाउट लिखेंगे। और सी क्या है, अपना टॉर्क कांस्टेंट है। ठीक, तो देखें इसको कैसे यूज करना है। तो अगर मैं वेल नोन ऑलरेडी नोन फॉर्मूले को सॉल्व करूंगा तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। सो बेस्ट एग्जांपल होगा एसएचएम सॉल्व करने से पहला, मैं क्या आपको सॉल्व करके दिखा दूं, सिंपल पेंडुलम एज एंगुलर एसएचएम, सिंपल पेंडुलम एज एंगुलर एसएचएम। ठीक है, सिंपल पेंडुलम एज एंगुलर एसएचएम मतलब क्या होगा, चलो स्टेप्स याद करते हैं। स्टेप्स, सबसे पहले पेंडुलम है, क्या करेंगे इसे बताओ, क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, थीटा एंगल डिस्प्लेस कर दिया, ये हो गया थीटा एंगल डिस्प्लेस। अब बताओ क्या करेंगे, रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क। तो ये लग रहा है क्या mg, और इधर की तरफ लगेगा क्या इसका mg, ये mg cos थीटा होगा, और ये इस तरफ लगेगा क्या mg sin थीटा, sin थीटा। अब सोचना, गौर करना, ये लेंथ है ना, तो ये तो परपेंडिकुलर है, क्या mg cos थीटा का कुछ कंपोनेंट टॉर्क आएगा क्या, नहीं नहीं सर, क्योंकि वो तो पैरेलल लेंथ के लग रहा है। तो टॉर्क ऑफ mg cos थीटा कुछ आएगा क्या, नहीं, टॉर्क जो mg sin थीटा है वो रियल में क्या करेगा, आपको रिस्टोर करने का ट्राई करेगा। तो mg sin थीटा का टॉर्क ही क्या है, रिस्टोरिंग है, और वो कितना लगेगा बताओ, कैसे निकालते हैं टॉर्क, यस, फोर्स इनटू आर परपेंडिकुलर। सो फोर्स कितना है, mg sin थीटा, mg sin थीटा, और आर परपेंडिकुलर कितना है, l, l। तो इसका मतलब टॉर्क क्या हुआ, टॉर्क हुआ mg l sin थीटा। और मैं पहले भी बताया था कि SHM होता ही नहीं है, क्या टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा आ गया क्या, नेगेटिव एक लगा लेना यार, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जरूरत नहीं है बार बार नेगेटिव समझने की, फिर भी ये समझ आया। इसका मतलब क्या होगा, फॉर स्मॉल एंगल थीटा क्या होगा, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब रिस्टोरिंग जो टॉर्क होगा वो होगा माइनस एम जी एल इंटू
साइन थीटा को क्या लिखेंगे, थीटा. सो बिकॉज टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, इट इज SHM. और किससे कंपेयर करें, कंपेयर विद टॉर्क इज इक्वल टू सी थीटा, देन सी की वैल्यू क्या आ गई, सी की वैल्यू क्या आ गई, MGL. तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आता है, 2π अंडर रूट आई बाई सी MGL. So, 2π अंडर रूट आई बाई MGL. अच्छा अब आई फाइंड करना पड़ेगा ना, तो आई देख लेते हैं सिंपल पेंडुलम का आई क्या होगा. सो ये स्ट्रिंग, ये सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम पॉइंट मास जैसे है ना, एल डिस्टेंस पर रखा हुआ है, पॉइंट मास जैसे है सिंपल पेंडुलम. सो इसका मतलब इसका आई कितना हो जाएगा, ML square. So, ये मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया ML square. तो देखो यार कैंसिल आउट हो गया, क्या आंसर आ गया, L by G. क्लियर? तो कोई डाउट क्या? So, सिंपल पेंडुलम मैंने इसलिए बताया है कि आपको ऑलरेडी पता है, इसलिए टेंशन ना हो. ओके यार ये समझ आया मैंने सिंपल पेंडुलम ही क्यों पिक किया. सर ये मतलब सिंपल पेंडुलम का ये जो टाइम पीरियड हम निकालते हैं ना, हाँ, वो सिर्फ स्मॉल थीटा के लिए आता है क्या? सिर्फ स्मॉल थीटा के लिए, अदर के लिए नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वो SHM ही नहीं है, तो फिर तो निकाल ही नहीं सकते ना टाइम पीरियड. हाँ सर. ओके ठीक है. सो ये याद रखना है कि स्मॉल के लिए ही वैलिड है वो. चलो अब बाकी एग्जाम्पल देख लेते हैं. तो बाकी फेमस एग्जाम्पल है, द टर्म इज नोन एज फिजिकल पेंडुलम. फिजिकल पेंडुलम का मतलब होता है पेंडुलम ऑफ ऑब्जेक्ट्स. फिजिकल पेंडुलम क्या होता है, पेंडुलम ऑफ ऑब्जेक्ट्स. अच्छा तो मान लेते हैं एक रैंडम से ऑब्जेक्ट से लेते हैं और देखें कि कुछ चेंजेस आएंगे क्या. तो ये हमने एक सिस्टम लिया और ये हमने एक अपना रैंडम सा ऑब्जेक्ट ले लिया. ज्यादा रैंडम हो गया यार. ओके सो ये हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया और इसको ऐसे हैंग कर दिया यहाँ पर. ये सेटअप समझ आया सबको? तो ये अपना क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट. तो फिजिकल पेंडुलम मतलब क्या होता है, या फिजिकल पेंडुलम मतलब ऑब्जेक्ट का मोशन डिस्कस करते हैं. पूरे ऑब्जेक्ट का मोशन डिस्कस करते हैं. तो जब भी हमें रिस्टोरिंग टॉर्क चाहिए होगा तो हम क्या चीज सर्च करेंगे, इसकी कहां पर लगेगा, सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास हम सर्च करेंगे, सेंटर ऑफ मास. यार सबसे पहली चीज जो डिफाइन करनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिफाइन करनी है, यहां पर हम एक नया वेरिएबल डिफाइन करेंगे. दिस इज नोन एज डी. डी क्या है, एल इफेक्टिव. यस, सॉर्ट ऑफ एल इफेक्टिव का काम करेगा. डी इज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. ओके मतलब एल इफेक्टिव. तो यहां पर हम एल इफेक्टिव वर्ड क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि एल से सेंस चला जाता है ऑब्जेक्ट की लेंथ में. इसलिए हमने यहां पर डी को एक अलग से नेम डिफाइन किया हुआ है. इनडायरेक्टली डी है क्या, डी इज नथिंग बट डी इज एल इफेक्टिव. बट इसको गलत सेंस में मत ले लें, क्योंकि कई बार एल मतलब दिमाग में क्या जाता है, ऑब्जेक्ट की लेंथ. ठीक है. अच्छा अब मुझे लगता है ये क्वेश्चन सॉल्व करने की उतनी जरूरत भी नहीं है. आपको आइडिया एकदम सिंपल क्लियर रखना है क्या, कि हमें पता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है. अब अगर मैं इसे डिस्प्लेस करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को क्या करूंगा, डिस्प्लेस करूंगा, तो रिस्टोर कौन करने वाला है,
mg sin थीटा ही तो रिस्टोर करेगा ना? हाँ सर। तो मतलब मैं इस फिगर को फिर से ऑसिलेशन जैसा बना के बताने का उतना कुछ खास प्रॉब्लम है नहीं। मैं मान लेता हूँ कि पहले रेफरेंस था यहाँ, यहाँ पर कहीं पर था, और मैंने इसे थीटा शिफ्ट किया हुआ है। तो ये मैंने थीटा क्या किया हुआ है, शिफ्ट किया हुआ है। पहले कहाँ था, यहाँ पर था mg, ठीक है, और फिर हमने थोड़ा सा थीटा शिफ्ट किया, तो इसका मतलब mg का जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वही तो टॉर्क लगाएगा ना, वही तो इस लेंथ के क्या होगा, परपेंडिकुलर। सो आइडिया एकदम सिंपल है, टॉर्क क्या होगा, सेम जो अभी सिंपल पेंडुलम सॉल्व किया, क्या mg साइन थीटा इंटू आर परपेंडिकुलर क्या होगा, यस। तो ये यहाँ पर बस मैं ये बताना चाह रहा था कि mg साइन थीटा और ये जो हमने l थी उसकी जगह हम एक नया टर्म डिफाइन करेंगे अप टू सेंटर ऑफ मास, इट इज d। तो यार फिर फास्ट सॉल्व कर लेते हैं, आंसर क्या आएगा, mg d और फॉर स्मॉल एंगल लिख लेते हैं, फॉर स्मॉल ऑसिलेशन थीटा अगर क्या है स्मॉल है तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। तो यार टॉर्क की वैल्यू देखो क्या आएगी, mg d इनटू साइन थीटा को क्या लिखेंगे, थीटा, ठीक है। सो ऑन कंपैरिजन क्या पता चलेगा, c की वैल्यू कितनी है, mg d। सो कंपेयरिंग विद व्हाट, टाउ इज इक्वल टू माइनस c थीटा से C की वैल्यू आ जाएगी कितनी, एम जी डी। सो टाइम पीरियड का फाइनल आंसर आपको ये याद रखना है जो मैं बता रहा हूँ, क्या 2π अंडर रूट m के जगह क्या था i, और C की वैल्यू हमेशा कैसी आती है, एम जी डी जैसी। कोई डाउट क्या इसमें, तो ये होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के सिंपल पेंडुलम का या ऑसिलेशन का टाइम पीरियड। बताए ये वाला याद होगा, फॉर्मूला याद हो गया या नहीं, yes, हाँ मैं फिर से यार लिखता हूं, बार बार लिख दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन में। तो d क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग नहीं, सस्पेंशन जहां से उसे हैंग किया हुआ है। तो अभी देखना आप कितनी जल्दी आंसर कर लोगे, पहले ये लर्न करो यार, सबके सब पहले इसे लर्न कर लो तो फिर आप आंसर कर पाओगे। ये फॉर्मूला लर्न हुआ तो अभी तक यार अगर एक्चुअल बात करो ना तो ये तीसरा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला क्या था 2π अंडर रूट एम अपॉन के, दूसरा ये स्प्रिंग का था 2π अंडर रूट एल अपॉन जी, ये सिंपल पेंडुलम का, थर्ड क्या ऑब्जेक्ट का डी। तीनों क्लियर याद रहेंगे, yes, स्प्रिंग, सिंपल पेंडुलम और ऑब्जेक्ट, बस इतना ही है यार सिलेबस में। क्या इन तीनों को फिर से लिख दूं क्या, याद रहे ताकि, यह याद रहेगा, रहेगा, चलो याद रहेगा तो फिर देख लेते हैं हर क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं, हाँ एग्जांपल्स के थ्रू। चले एग्जांपल, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ गिवन फॉर द टाइम पीरियड, फाइंड द टाइम पीरियड फॉर गिवन ऑसिलेशंस, फॉर गिवन ऑसिलेशंस किसके लिए, एक रॉड है यार उसके लिए आपको टाइम पीरियड बताना है। ये रॉड है और इसे ऑसिलेट करा रहे हैं, इसका टाइम पीरियड बताना है। तो क्या पूरा सॉल्व करने की जरूरत है क्या इसे, नो सर, यस ओके। तो हम फॉर्मूला याद रखेंगे जैसे हमने फॉर्मूला किया हुआ है,
और जल्दी से इसका आंसर बता देंगे कि क्या आंसर आने वाला है। जैसे पिन करके रख दिया है और ये ऑसिलेट करेगा, तो इसका मतलब रिस्टोर कौन करेगा इसे, एम जी करेगा ना। तो ये मास एम है या फिर एम कॉम एल से डिफाइन है ये रॉड, बट इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, L by 2। तो समझ गए ना डी का आंसर क्या आ गया, डी का आंसर L by 2। सो दो चीजें ही काम की हैं, डी इज इक्वल टू क्या है L by 2 एंड आई क्या होगा, किसके अबाउट घूम रॉड रोटेट हो रहा है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो क्या आंसर है उसका, ml square by 3। बस आ गया आंसर, बताओ टाइम पीरियड का फॉर्मूला, I by mgd। बस आ गया 2π अंडर रूट आई की वैल्यू है ml square by 3 अपॉन एम जी डी की वैल्यू कितनी है L by 2। तो समझा 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे रहेगा, टाइम पीरियड का आंसर आ गया क्या 2π root 2/3 L by g। देखें देखने में सिंपल पेंडुलम जैसा ही दिखेगा, सिर्फ एक्स्ट्रा फैक्टर दिखेगा वहां पर जो भी आने वाला है। बताएं क्वेश्चन क्लियर है या नहीं? यस सर। चलो सही है, एक क्वेश्चन दे देते हैं, सॉल्व करके देखो आप लोग, पता चल जाएगा कि समझ आया या नहीं। सो फाइन टाइम पीरियड, अब देखना सेटअप थोड़ा सा समझना, सेटअप समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे आई निकालने में। ये एक रिंग है, ये रिंग है, ठीक है। सो ये मैंने लिखा ये रिंग है और कैसे डिफाइन है एम कॉमा आर से। अब इसका जो ये हिंज है वो इस तरीके से है, इसका फीलिंग समझना, इसका मीनिंग क्या है, क्वेश्चन में देगा प्रॉपरली। इसका हिंज इस तरीके से, ये डॉट है, तो ये जो ऑसिलेट कर रहा है ना, ये ऑसिलेट कैसे कर रहा है, ये रिंग इस तरीके से रखी हुई है कि लेफ्ट राइट ऑसिलेट कर रहा है, कैसे लेफ्ट राइट, मतलब ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। तो इसके ऑसिलेशंस किस कहां पर है, ऑसिलेशंस आर ऑन द प्लेन, ऑसिलेशन कहां पर है, इसी प्लेन पर है। और इसकी जो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है वो कहां होगी, परपेंडिकुलर टू प्लेन मानी जाएगी ना, अगर वो उसी प्लेन पे ऑसिलेट कर रहा है तो। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बताए समझ आया या नहीं कि ये रिंग कैसे ऑसिलेट करेगी, इसका मतलब ये रिंग ऐसे ऑसिलेट कर रही है, ये रिंग है और अब ये थोड़ा सा लेफ्ट टिल्ट होगी ऐसे और फिर थोड़ा सा राइट टिल्ट होगी। समझ आया क्या ऑसिलेशंस इसके? हाँ सर। ओके यस। सो ये हो गया, सो इसका मतलब इसका आई क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर। अच्छा मेन तो वही डाउट था, पहले बताओ डी क्या होगा इसमें, आर। तो डी कितना आ जाएगा आर, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास तो यही है। सो इसका डी तो कोई टेंशन नहीं, डी तो वही रहेगा, ये हो गया डी। अब इसका आई निकालना मेन है, तो आई मैं फिर से समझा देता हूं। एक्चुअली इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, समझ आया ना, आई इसके अबाउट निकालना है, आइडिया है या नहीं, समझ आया? शिफ्टिंग से, शिफ्टिंग निकालना पड़ेगा। तो आई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर के अबाउट रिंग का क्या होता है, एम आर स्क्वायर प्लस शिफ्टिंग कितनी, एम आर स्क्वायर। तो क्या आ गया है, 2 एम आर स्क्वायर। बस यही था, सिर्फ आई निकालना यार आना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये कैसी है,
परपेंडिकुलर टू प्लेन. भूल तो नहीं गया रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया एकदम. यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिखाने की जरूरत है क्या अभी? नहीं ठीक है. मतलब आनिश यार अब फिर से क्या सिखाएंगे यार? इतना फॉर्मूला क्या है फिर? लगा देते हैं फॉर्मूला 2π अंडर रूट i कितना है? 2mr स्क्वायर अपॉन mg d कितना है? r r. तो आंसर आ गया टाइम पीरियड का क्या आ गया? 2π अंडर रूट 2r by g. तो मुझे लगता है अभी आपको आइडिया आ गया यार कि फिजिकल पेंडुलम मतलब अगर ऑब्जेक्ट्स के ऑसिलेशंस देखने हैं तो किस तरीके से निकाल सकते हैं. क्लियर ना? ओके गुड. एक और एग्जांपल देखते हैं सिमिलर, बस थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ. एक और एग्जांपल फाइंड द टाइम पीरियड, और ये वाला आप लोग खुद से ट्राई करें. मैं टाइम देता हूँ 2-3 मिनट्स का, कर लेंगे. मेन चीज है पहले फिगर समझना है आपको कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. ओके तो ये फिगर है. देखें अभी ये जो रिंग है, ये रिंग जो हो रही है, रिंग जो ऑसिलेट हो रही है वो इन एंड आउट ऑसिलेट हो रही है. क्लियर? तो अगर इन एंड आउट ऑसिलेट होगी ये तो स्ट्रेट एक्सिस के अबाउट होगी ना ऑसिलेट, इन एंड आउट. इसका मतलब ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है? इन द प्लेन. इन द प्लेन है. और ये जो रेड कलर से मैंने लिखाया हुआ है ये क्या है? ऑसिलेशंस आर इन एंड आउट. ऑसिलेशंस आर इन एंड आउट ऑफ द प्लेन. चले फाइंड करें फिर. ऑसिलेशंस आर इन एंड आउट ऑफ द प्लेन. ये रिंग है M, R की. सो क्या आ जाएगा इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला? सर आंसर चैट में करना है क्या? नहीं 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 रहने देते हैं. एकदम सिंपल है. सिर्फ क्या निकालना था यार? आई. मुझे लगता है सब लोग को समझ आ गया होगा. इस ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन. और ऑसिलेशंस कैसे हो रहे होंगे? इन द प्लेन, इन एंड आउट. क्लियर ना? सबको समझ आया ना यार ये क्या हो रहा है? क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्सिया इससे शिफ्टिंग करेंगे ना. I will be, क्या है आंसर? mr square plus mr square by 2. हाँ मतलब mr square by 2 ये original है plus mr square. mr square की shifting आंसर क्या है? 3/2 mr square. 3/2 mr square. तो बाकी तो यार कुछ बचा ही नहीं फिर. t is equal to क्या formula है? 2π root i by mg d. so 2π. i की value कितनी है? 3/2 mr square upon mg d. clear? d की value क्या है? r. तो answer कितना आ गया time period का? 2π under root 3r/2 g. बताएं clear हुआ या नहीं यार? बताएं clear है या नहीं? Yes sir. okay good. Yes, sir. good good. नेक्स्ट यार बात करें अगर तो इसी एंगुलर SHM को थोड़ा सा तो कॉम्प्लेक्स बनाएगा ना यार. मतलब फिजिक्स है यार, फिजिक्स की प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा सा प्लस प्लस तो करेंगे ही. ठीक तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि यहां तक हमारा जो एक्चुअल पोर्शन है वो कंप्लीट रहता है यहां तक. ठीक है सो जो नीट स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेबस यहाँ से SHM कंप्लीट हो जाता है. अभी कुछ एग्जांपल्स हैं, एक 3-4 एग्जांपल्स रहेंगे
जो प्योरली जेई के लिए ही रहेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि नीट में आ नहीं सकते, ये मैं बता नहीं सकता हूँ प्रोबेबिलिटी। सिलेबस में ऐसा कुछ स्ट्रिक्टली नहीं है कि नहीं है, बट अभी तक कभी क्वेश्चन आया नहीं है इस पे। क्या कि अभी हमने क्या क्या पढ़ा, हमने स्प्रिंग पढ़ा, हमने सिंपल पेंडुलम पढ़ा और हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा। इतना समझ आया? अरे भाई ये तीन टाइम पीरियड सबको समझ आया ना? यस सर। हाँ अभी इन दोनों को रिलेट करके क्वेश्चन थोड़ा सा पूछा जाता है, तो वो हमें थोड़ा सा समझना है कि कैसे रिलेट कर सकते हैं स्प्रिंग प्लस फिजिकल पेंडुलम। ओके सो नेक्स्ट हमारा सेट क्या है? स्प्रिंग प्लस फिजिकल पेंडुलम। सिंपल है, ऐसा कुछ टफ नहीं है, बस दोनों चीजों को हमें माइंड में रखना है। ओके स्प्रिंग प्लस फिजिकल पेंडुलम मतलब समझे, एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं तो फिर बेटर आइडिया आपको तुरंत लगेगा कि क्या चल रहा है। देखें हुआ ये, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज ये सरफेस है, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी हुई है और यहाँ पर एक डिस्क ले ली हमने। सो ये क्या है अपनी एम कॉमा आर की डिस्क। डिस्क किसकी है? एम कॉमा आर की, ठीक है। अच्छा अब यहां पर एक स्प्रिंग लगी हुई है, ये सिस्टम स्प्रिंग से कनेक्टेड है, बट इस तरीके से कनेक्टेड है, एक ऐसा मैकेनिज्म बना के कि डिस्क एज अ व्हील घूम सकती है। सिस्टम फील हुआ सबको? सेटअप समझ आया क्या है? ये एक डिस्क जो कि ऑसिलेट कर सकती है बिकॉज ऑफ स्प्रिंग, मतलब इस तरीके से रोटेट हो सकती है प्लेन में। समझाया नहीं? Yes, तो अपन स्टार्ट कर देते हैं यार सॉल्विंग। सॉल्विंग इतना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, बस दो स्टेप्स मेजर इन्वॉल्व्ड है। देखें क्या स्टेप्स हैं। पहले हमें इसे क्या करना पड़ेगा, डिस्क को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसे डिस्प्लेस करेंगे थीटा एंगल। सो ये स्प्रिंग थी जिसको मैं थोड़ा सा ऐसे वर्चुअल फॉर्मेट दे देता हूँ और मैं इस तरीके से वर्चुअल डिस्क बना देता हूँ, मतलब डॉटेड बना रहा हूँ। और अभी मैंने क्या किया, इस डिस्क को कुछ थीटा एंगल रोटेट कर दिया होगा। तो समझना ये इनिशियल पोजीशन है, ये लाइन क्या है, इनिशियल। और अब हमने इसे क्या किया है, थीटा एंगल क्या किया है, शिफ्ट कर दिया। तो अगर थीटा एंगल शिफ्ट किया तो मतलब नई वाली पोजीशन कुछ आ जाएगी ना। सो ये आ गई क्या, नई वाली पोजीशन। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कुछ यहां पर पहुंच गया होगा ना, तो इसका मतलब कौन रिस्टोर करने का ट्राई करेगा इसे, अरे कौन रिस्टोर करने का ट्राई करेगा, स्प्रिंग फोर्स रिस्टोर करने का ट्राई करेगा। तो पॉइंट ये है कि मैं लिखूंगा स्टेप व्हेन डिस्प्लेस्ड बाय थीटा। अब बताओ थीटा यूज कर रहे हो तो एंगुलर एसएचएम लगाओगे या लीनियर? एंगुलर लगाएंगे। तो एंगुलर लगाएंगे तो अपन क्या निकालेंगे, रिस्टोरिंग टॉर्क। तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, फोर्स इनटू आर परपेंडिकुलर। और यहाँ पर फोर्स कौन लगाएगा, स्प्रिंग फोर्स। ओके स्प्रिंग फोर्स इनटू आर परपेंडिकुलर। अच्छा अब बताओ यार इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो इसका मतलब ये हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर स्प्रिंग ऐसे रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगी और वो रिस्टोर कर लेगा इस पॉइंट के अबाउट, ऑसिलेट करने लगेगा वो। तो आप देखना स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा, बताओ स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा, Ks। और R परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बताओ, टू आर नहीं, ये R है ना, R परपेंडिकुलर टू आर नहीं होगा ना,
कितना होगा? ये अपना x है, जबकि r परपेंडिकुलर तो यही होगा ना। क्लियर सबको? बताए कोई डाउट क्या है एफ स्प्रिंग निकालने में किसी को? बस ये बताओ एक्स रिलेटेड कैसे है? क्यों? क्योंकि हम तो टॉर्क की इक्वेशन लिख रहे हैं ना, तो हमें एक्स लेके आना है क्या? हमें क्या लेके आना है? टैन थीटा। थीटा, थीटा। तो बताओ इस फिगर से थीटा कैसे रिलेटेड है एक्स से? टैन थीटा। टैन नहीं लिखेंगे, आर्क जैसा फील करेंगे ना, स्मॉल ऑसिलेशंस। ठीक है, टैन भी लिख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस, फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस थीटा। थीटा क्या आ जाएगा? आर्क ओवर रेडियस सॉर्ट ऑफ थिंग। मतलब आर्क हमने कितनी डिस्टेंस का यूज किया है, आर्क ओवर डिस्टेंस बोल देता हूँ मैं। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क कितना है? एक्स, और डिस्टेंस कितनी है? आर। तो एक्स को क्या लिख सकते हैं इसका मतलब? आर थीटा। आर थीटा। और आर परपेंडिकुलर कितना था? आर। आर। तो यार समझ गए ना क्या रिस्टोरिंग टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल आ गया? आर स्क्वायर। क्या आर स्क्वायर? तो कंपेयरिंग किससे करेंगे? सी कितना आ गया? के आर स्क्वायर। तो मतलब बस ये कि स्प्रिंग भी थोड़ी सी यहाँ पर कैलकुलेशन में आ जाएगी। क्या है भाई फॉर्मूला फिजिकल पेंडुलम का? 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम जी डी। तो क्या ये प्योर फिजिकल पेंडुलम है क्या? तो आप डी यूज करोगे? नहीं, बेसिक है एकदम। तो क्या यूज करना है? आई बाई सी। तो ये बेसिकली एक एंगुलर एसएचएम है, फिजिकल पेंडुलम जरूरी नहीं है ये कि आप एमजीडी यूज कर ले। बस अब काम बन गया 2 पाई आई। बताओ आई क्या हो जाएगा? तो ये डिस्क था, डिस्क। यार आई निकालना यार आना चाहिए, इसके अबाउट चाहिए हमें आई। समझ आया ना? परपेंडिकुलर के अबाउट। तो क्या आएगा आई? Three by two m r square upon c kitna hai के इंटू आर स्क्वायर। तो टी इज इक्वल टू देखो क्या दिखने लगा, 2 पाई अंडर रूट 3 बाई 2 एम बाई के। तो मतलब बेसिकली किसके जैसा आंसर आने लगा? वो फिजिकल पेंडुलम एक सिंपल पेंडुलम की तरह ऑसिलेट कर रहा था, तो उसका आंसर आर बाई जी आने लगा। और ये जो पेंडुलम है इसमें स्प्रिंग अटैच कर रहे हैं, तो किसके जैसा आ रहा है? एम बाई के जैसा। तो क्या बहुत टफ था क्या कुछ? मतलब समझ आया या नहीं यार? बताएं समझ आया या नहीं? Yes, sir. अभी इसी एग्जांपल को देखता हूं, क्योंकि थोड़ी सी क्लैरिटी इसमें कम होती है, मतलब मिसकॉन्सेप्शन आ जाता है, इसलिए एक एग्जांपल और ऐड करता हूँ जिससे मिसकॉन्सेप्शन नहीं होने पाए इस कॉन्सेप्ट को लेके। तो इस बार मैं क्या कर देता हूँ, डिस्क की जगह क्या लगा देता हूँ, एक सॉलिड स्फीयर, ठीक है, एम कॉम आर का, जिससे आपको आई निकला है। और इस बार मैंने सेटअप पे स्प्रिंग को लगा दिया है यहाँ पर, ओके। स्प्रिंग को कहाँ पर हमने अटैच कर दिया? टॉप पॉइंट पे। अब चले शुरू करें, अब देखें क्या डिफरेंस आएगा।
जब हम थीटा डिस्प्लेस करेंगे, स्प्रिंग तो टॉप पर है, स्प्रिंग का पॉइंट यहां था, ये सेंटर था, ये क्या कंडीशन थी, इनिशियल, सोचो हमने शिफ्ट किया थोड़ा सा थीटा, ये क्या कंडीशन हो गई, ओके देखिए यार हम क्या बात कर रहे थे कि अगर हमने थीटा शिफ्ट किया तो हमें ये चेक करना है कि स्प्रिंग कितना डिफॉर्म होगी ये एक्स। तो यार अब देखो यार अब थोड़ा सा वही कॉमन सेंस है सर्कल वाला, क्या ये पॉइंट था, ये सेंटर पॉइंट है, ये टॉप पॉइंट है, ये डिस्टेंस कितनी है 2r, स्प्रिंग का kx कहाँ लगने वाला है, यस वेरी गुड 2r पे, और ये अपना है x कितना डिफॉर्म होगा। तो ये x हमने देखा ना यार कैसे निकालेंगे, बताओ x कैसे निकालेंगे अगर हमें थीटा के टर्म्स में लिखना है x, वेरी गुड वेरी गुड, बस यही पे यही डाउट था, ये अगर क्लियर है तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस बार थीटा होगा x अपॉन 2r, ये मेन है, बस ये हो गया तो अब काम बन गया, अब तो कोई टेंशन नहीं, तुरंत आ गया क्वेश्चन क्या, व्हेन डिस्प्लेस्ड बाय थीटा, व्हेन डिस्प्लेस्ड बाय थीटा, तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या आ जाएगा, वही परपेंडिकुलर फोर्स इनटू आर परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर फोर्स क्या है स्प्रिंग का kx इनटू आर परपेंडिकुलर में इस बार कितना है 2r। अच्छा और जस्ट अभी हमने देखा कि x को क्या लिखा हमने 2r इनटू थीटा, 2r इनटू 2r, बस काम बन गया। सो इस बार कांस्टेंट की जगह क्या दिख रहा है, समझ आया ना क्या वेरिएशन आ जाते हैं, ये कांस्टेंट बस बार बार बदलेंगे, मेथडोलॉजी क्या रहेगी सेम रहेगी सेम। सो c इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 4k r स्क्वायर, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है एंगुलर SHM का 2π अंडर रूट i बाई mgd, नहीं यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर जस्ट अभी क्या निकालना है वो क्या था सॉलिड स्फीयर। ओके तो सॉलिड स्फीयर का इसके अबाउट ऑसिलेट हो रहा है ना परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सो क्या करना पड़ेगा शिफ्टिंग ना, तो चले शिफ्टिंग कर लेते हैं। सो आई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसका, आई इज इक्वल टू क्या होता है सॉलिड स्फीयर का 2r² प्लस शिफ्टिंग ना, तो 2r का करेंगे ना, 2r क्यों ऑसिलेट, ये तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट शिफ्टिंग लेंगे ना, हाँ समझा, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा है, ये भी SHM से कोई रिलेशन नहीं है इसका, यस सर, हाँ तो ये भी अपन यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/5 mr² और c की वैल्यू कितनी है 4k r² तो आंसर कितना आ गया t का 2π√20 m/k, क्लियर, बताएं यहां तक क्लैरिटी है या नहीं,
फाइनल्स यार बताएं आज का, तो आज का हमने फाइनल क्या किया यार, हमने एक तो पहले सिंपल पेंडुलम वाला वर्टिकल सर्कुलर देखा, सिंपल पेंडुलम को हमने पूरा कंप्लीट किया, सिंपल पेंडुलम को उसके बाद हमने फिजिकल पेंडुलम देखा, और फिजिकल पेंडुलम के साथ साथ एक क्या इंपॉर्टेंट चीज देखी, एंगुलर एसएचएम, ठीक है। सो कल के लेक्चर में मैं क्या करूंगा, मतलब अभी फाइनल कंप्लीट हो गया, बट अभी एंगुलर एसएचएम में कुछ और एग्जांपल बाकी हैं, मतलब अभी मैंने किसको पिक किया है, इसको बॉल को ना, स्पीयर को, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अभी किसे पिक करेंगे, रॉड को, रॉड पे स्प्रिंग लगा देंगे, देखो ऐसे स्प्रिंग लगा दिया, अब अगर ऑसिलेट करोगे इसे ऐसे तो ये स्प्रिंग करेगी ना, इसे वापस पुल करेगी अपने तरफ और ये अपने तरफ, तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएंगी ना। सो इस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे, और एक फाइनल चीज देखेंगे जो मैंने आपको पहले बताया था कि मैं सारे टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करता हूँ, फोर्स एंड टॉर्क से, बट मैंने बताया था कि एक मेथड और होता है, क्या, एनर्जी मेथड। तो ये मेथड थोड़ा देखने में कॉम्प्लेक्स लगता है, इसलिए मैं इस मेथड से सॉल्विंग नहीं करता, बट मैं आपको सिखाऊंगा, मिनिमम 2-3 एग्जांपल्स करवाऊंगा, रीजन कि क्योंकि अब कभी आप किसी बुक में सॉल्व एग्जांपल देखोगे ना, तो आपको मे बी ये मेथड मिल सकता है, तो टेंशन नहीं लेने लगना है कि सोल्यूशन देख के समझने का ट्राई कर रहे हो, नहीं, जो मैंने मेथड बताया उससे तुरंत आंसर निकाल दो, तो उससे आपको हार्डली 3 मिनट में आंसर आ जाएगा, और जब आप आंसर आ जाए तो कल मैं एनर्जी मेथड भी सिखा दूंगा आपको, तो आप थोड़ा सा वो सोल्यूशन भी उनका समझ पाओगे कि इन्होंने क्या कर दिया है, ओके। बट मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं रेकमेंड करता हूं कि हमेशा आप किससे निकालें आंसर, फोर्स एंड टॉर्क से। कोई मेरे से ये नहीं पूछेगा कि सर ये सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, अगर आपका आंसर अपने मेथड से आ जा रहा है, फाइन, ओके, ठीक है। सो कल हमारा एसएचएम कंप्लीट हो जाने वाला है, उसके बाद प्रैक्टिस शीट डिस्कस करेंगे आफ्टरनून में, बट आप लोग क्वेश्चन सॉल्विंग एकदम फास्ट करो, जल्दी से कर लें, सिंपल पेंडुलम तक के क्वेश्चंस पूरे कल कंप्लीट कर लो, ओके एवरीवन। तो कल मुझे लगता है लेक्चर ज्यादा नहीं होगा, कल हम थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेंगे चीजों को, कल हम टाइम पीरियड का रिवीजन भी कर लेंगे, क्यों, क्योंकि कल थोड़ा सा ही टॉपिक बचा हुआ है, 1-2 एग्जांपल्स इसके स्प्रिंग प्लस इसके फिजिकल ये ऑब्जेक्ट वाले पेंडुलम के बचे हुए हैं, और थोड़ा सा एनर्जी मेथड्स, ओके, चलो ठीक है यार, फिर आज के लिए काफी है, कुछ डाउट रहे तो आप लोग बता देंगे, ओके, ओके देन, बाय बाय एवरीवन, बाय सर, बाय बाय।